अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खलील एंड वेलकम टू सवाल जवाब स्टूडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 8 से। क्वेश्चन क्या है कि हाउ द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब इस सवाल को आप लोगों ने किस तरह से लिखना है, किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नंबर 1 है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपने करना है ब्लैक मार्कर से 1 लिख देना है ऊपर, या साइन में भी आप लोग लिख सकते हैं। एज द डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर सो स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि जो इफेक्ट होगा, यानी कि जो इफेक्ट हो रहा है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, वो आपने इस तरह से लिखना है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन प्रेशर। अब इसको आपने देखा है, इसको हमने सेंटर में करके लिखा है, इसको हमने इन्वर्टेड कोमास में क्लोज किया है, इसके नीचे हाईलाइट कर दिया। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड थिंग ये, इसके साइड पे लाइंस लगा दें, एंड इसमें प्रेशर में क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स पी ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नंबर 2 पे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर गैस इज हैविंग सेम वैल्यू ऑफ गामा। एट सेम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ग्रेटर द डेंसिटी, स्मॉलर द स्पीड। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का लैपलेस वाला, कि गामा पी ओवर डेंसिटी, आपने गामा पी को लैदा किया एंड 1 ओवर डेंसिटी को लैदा कर लिया। जो गामा पी अंडर रूट है वो कांस्टेंट होता है, सो इट मींस वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब इसके बाद आपने एक और चीज लिखनी है, वो ये कि जो स्पीड ऑफ साउंड है हाइड्रोजन में इज 4 टाइम्स टू इट्स स्पीड इन ऑक्सीजन, बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। ये जो वैल्यूज हैं 4 टाइम्स एंड 16 टाइम्स, इसको हाफ हाईलाइट करके लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर से। तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। इतना लिखना है, हम ये फार्मूला ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। आगे क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। ओके, सो आगे क्या होगा, लेट वी नॉट वी टी एंड डेंसिटी एंड रो नॉट और रो टी के बारे में, कि वी नॉट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है 0 सेल्सियस, वी टी क्या है स्पीड ऑफ साउंड एट टी सेल्सियस। ये दोनों क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस एट 0 सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ गैस एट टी सेल्सियस। या तो आप इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लें, एक और अदर वे है इनको लिखने का, और वो है कुछ इस तरह से। इसमें क्या करें, हम दोनों को आमने सामने करके लिख सकते हैं। जो पहले जो 0 सेल्सियस वाली चीज़ें हैं, यानी कि वी नॉट और डेंसिटी नॉट जो है, इनको लिख लें, और बाद में जो टी के ऊपर है स्पीड ऑफ साउंड है टी सेल्सियस एंड डेंसिटी है टी सेल्सियस, दोनों को लिख लें। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इनको बॉक्स में क्लोज करके लिख लें। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको प्रेफर करूँ तो जो पहला पॉइंट है पॉइंट्स वाला, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और उसको कीजिएगा। इसमें वैसे भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा एक पूरी लाइन में लिखने के लिए। सो आगे क्या होगा, आगे आप दो इक्वेशंस निकालेंगे इनकी मदद से। फर्स्ट है गामा पी ओवर डेंसिटी नॉट, दूसरी है गामा पी ओवर पी नॉट, सॉरी गामा पी ओवर रो नॉट। अब हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया, हमारे पास जो आंसर आया है, जो इक्वेशन आई है, वो ये है कि वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट ओवर रो टी अंडर रूट। आगे क्या होगा, दो पॉइंट्स आप मजीद ऐड करेंगे। ये क्या है, ये वॉल्यूम के हैं, जो वॉल्यूम 0 सेल्सियस पे है और जो वॉल्यूम टी सेल्सियस पे है। 0 सेल्सियस पे उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है, एंड जो टी सेल्सियस पे वी टी से। ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला आया है कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, एंड इट्स वैल्यू इज 1/273। सो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो इस तरह से कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1/273। अब वी टी जो होता है वो होता है एम ओवर डेंसिटी के, वी नॉट जो होगा वो होगा एम ओवर डेंसिटी नॉट यानी रो नॉट, और जो वी टी होगा वो होगा एम ओवर रो नॉट। अब इन दोनों को हमने जो वैल्यूज हैं इसको इस क्वेश्चन में पुट किया, हमने मल्टीप्लाई किया, एंड जो हमारे फोर्थ इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट आया है, रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1/2t/273। यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3, आगे में जो वैल्यू आई है वो ये है कि वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1/t/273 अंडर रूट। अब ये जो दोनों हैं टी प्लस 273 पर टी सेल्सियस, ये टी इक्वल होता है विच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू टी सेल्सियस, एंड 273 पर 0 सेल्सियस ये टी नॉट के इक्वल होता है विच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू 0 सेल्सियस। तो टी और टी नॉट को हमने इस क्वेश्चन में पुट कर दिया है। अब इससे क्या होगा, हम बताएंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर से किस तरह से अफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली एट द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक हो गया, वही बात जो हमने इसके स्टार्ट में लिखी हुई थी कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। तो इतना लिखने के बाद आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे जो वी टी है उसकी वैल्यू ड्राइव करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट जो है उसको पावर में लाएंगे 1/2 की, अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, या तो हेडिंग दे दें, अगर नहीं देनी तो बायनोमियल थ्योरम जो है आप लोग हाईलाइट करके लिख लीजिए, एंड अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम एंड नेगलेक्टिंग हाई पावर्स के 1/1/2 × t + 273 + so on। फिर आ जाता है 1/t/546। अब हमने वी नोड को मल्टीप्लाई किया, और जो वी नोड की वैल्यू है वो है 332 m/s, विच इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब इसको डिवाइड किया 546 से, हमारे वैल्यू आ जाती है वी टी के, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61। तो बेसिकली हमने जो सारी कैलकुलेशन की वो की थी फॉर वी टी। सो इतनी कैलकुलेशन की ये लिखने के बाद, जो ये कैलकुलेशन की है इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं, कैलकुलेशन फॉर वी टी
या फिर वैल्यू ऑफ वी टी, या फिर आप कह सकते हैं जो स्कॉलर सीरीज के ऊपर हेडिंग मौजूद है स्पीड ऑफ साउंड एट टी सेल्सियस, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। ये तो ये थी आज की वीडियो कि जिसके अंदर हमने देखा कि आपने इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, इनके वेरी करने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या चेंज आता है, सो इसको आपने किस तरह से लिखना है ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगली वीडियो मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।